रास का मेरे स्वभाव से क्या संबंध है? यस, लगा ना आपको, या आपको नहीं लगा? क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, भारती जी, कंचन जी, तीतीर, एलेवली, रिंकू ऑल्सो, आज सबका खाना रिंकू बना रही है अपना, बिल्कुल लोड मत लेना, आज सबका खाना रिंकू बनाएगी। अरे आई अप्रिशिएट दिस वर्क, शी इज वर्किंग ऑलरेडी डूइंग द वर्शिप मेकिंग द फूड बट इन्वॉल्विंग समवेयर एल्स। ओके, सो हमारा स्वभाव जो भी है, कंचन का नेचर, भारती का नेचर, तीतीर का नेचर, सब में कुछ ना कुछ एक विविधता है। विविधता इन द सेंस विच रिस्पेक्ट कि आप तीतीर, आपको हमने एडमिन बना दिया, जस्ट एड देम ऑल, आज का बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा एंड यू विल गेट समथिंग न्यू नॉलेज। और इन सब का कनेक्शन हमारी उन बातों से जो हमने कुछ दिन पहले आपसे चर्चा की थी। सिंस लास्ट 5 days वी आर टॉकिंग फॉर, हमारी बात करें कि डिपेंडेंसी, कॉम्पिटिशन, जेलसनेस, इमोशंस, ये आपका जो बॉडी है ना, आपका शरीर है, ये बाय बॉर्न आपके पास है। नेचर सबका नेचर अलग अलग है और कोई भी चीज को देखकर आदमी, हर इंसान रिएक्ट अलग ढंग से करता है। रिएक्ट द एग्रेशन टेंपर, अदर एनी सक्सेस टेंपर, किसी की सक्सेस को देखना, आपका मन का ट्रॉपिक कुछ तो विजिबल होती है और कुछ इनविजिबल होती है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से समथिंग आर इंटेंशनली, सम आर अनइंटेंशनली। कौन चाहता है मुझकी बताओ, आप में से एनी बडी कैन राइज द हैंड कि वो गुस्सा करना चाहता है, वो क्रोध करना चाहता है, वो ईगो रखना चाहता है, वो पास्ट में रहना चाहता है, फ्यूचर में रहना चाहता है, प्रेजेंट में नहीं रहना चाहता, जलस रखता है, लस्ट में इन्वॉल्व रहता है। ये जो 5 विकार है हमें, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये 5 विकार हमें जन्मजात मिले हैं, राइट? अब ये नेचरों के एक्सप्रेशन, इनकी अभिव्यक्ति आपका स्वभाव बनती है। एक स्वभाव तो वो हो गया, मैं आ गया सूटकेस लेके, आप बैग लगा के भरे, आपसे बराबर बात कर रहा हूं, रिंकू जी कैसी हैं आप, क्या है तीतीर जी कैसी है, आपसे बात जो कर रहा हूं मेरा आउटर इंप्रेशन है, लेकिन आपको देखकर मेरे अंदर जो चल रहा है वो मेरा इनर इंप्रेशन है। और यार देखो 26 साल की लड़की कितनी सक्सेस हो गई यार, है देखो यार ये तो क्या कर लिया, ये अंदर चल रहा है, मैं सामने भले मैडम करके रहा हूं। तो देयर टू टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर नेचर विद द 5 एलिमेंट बॉडी और 5 जो आपके विकार है। तो हमारे इन 7 चक्रों पर हमारी पूरी सक्सेस छिपी है। ओवरऑल कहता है 7 स्पाइन हमारी, इसमें छुपी 7 चक्रों में। आपको मैं समय समय पर यह नॉलेज देता आया हूं और चूंकि मुझे मालूम है हम कामों में उलझे हैं, एक पत्नी के रोल में, एक माँ के रोल में, एक प्रोफेशनल के रोल में, हम भूल जाते हैं। तो वही स्पिरिचुअल काम, एक व्यक्ति एक बार किसी को स्पिरिचुअल साधना कराता है, क्यों करता, नियमित वही साधना करने को, वही कपाल भाती, वही क्यों, क्योंकि डिटॉक्स रोज शरीर को करना पड़ता है। क्यों नहाते हो भाई आप रोज, क्यों पूजा करते हो आप, एक बार कर ली तो काम हो गया। तो ऐसे ही वही नॉलेज को मैं अलग अलग तरह से प्रस्तुति आपके पास देता रहता हूं, एग्रीड, है ना? अब आप है ना अपने मन के विकार सोच लें, मैं आपसे बात करता रहूंगा, आप अपने मन में सोचते कहीं लेके कि आप कौन सी इसी चीज में, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, कब कब आप में ये ऑटोमेटिकली आता है या किसी को देख कर आता है। देख कर आना मतलब क्या, सामने कोई सक्सेसफुल आदमी है, आपके कॉलेज का स्टूडेंट निकला साथ में और पता लगा, बोले हाँ मैं तो यहां पहुंच गया, तो आपके एक्सप्रेशन क्या होंगे, एक एप्रिसिएशन वाले होंगे या एक जुलसनेस वाले होंगे? ये अपने आप से बात करो, डोंट गिव रिप्लाई टू मी। अगर सुंदर सा कोई लड़का निकल गया, सुंदर सी लड़की निकल गई, तो कौन सी फीलिंग आप में जागृत होगी अंदर, ये आप अपने आप से बात करें।
ठीक है, अगर बाय चांस कोई गुस्से इंसान निकला, उससे आपने देखा तो उस वही गुस्से से आपने भी रिएक्ट कर दिया, तो आपकी रिस्पॉन्स करेंगे, ये सब आपके पास है, बट वी डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट, हम करते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। बट आज मैं आपके बीच में लाया हूं कि ये फीलिंग्स क्यों आती है। कोई तो भाई अच्छी लड़की को देख के दीदी नमस्कार, कोई अच्छी दीदी बोलता है दीदी नमस्कार, लेकिन दिमाग में कुछ और चलता रहता है ना। अब मैं, अरे क्या भारती जी आप तो कितना अच्छा काम करती है, कितना कहने को मैं कर रहा हूं लेकिन अंदर मेरे कुछ और चल रहा है। तो यह बात आपकी अंतरात्मा की और आपकी बातचीत, और आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, एक बात ध्यान रखना। यू कैन नॉट लाई योरसेल्फ, समटाइम यू कैन एक्सक्यूज योरसेल्फ, यू कैन नॉट लाई योरसेल्फ, बट वी आर ऑल, और वी आर एक्सेप्ट टू थ्री, वी आर ऑल इन द सच सच एज वी हैव क्रॉस्ड इट। इफ यू रिकॉल अवर पास्ट, इन दैट केस वी मे बी पॉसिबल, हम कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, उसमें रस लेने लग गए थे। How many people are taking the enjoy in the discussion? अरे इसने ऐसा कर दिया, अरे हाँ, अरे तो क्या भाई क्या बताऊं, देखो ये शर्मा जी की बीबी तो ऐसी है, और गुप्ता जी की बीबी को तो देखो, what you are getting, but it is your nature। बोले आपको मैंने भारती को कोई बात बोल दी, भारती बेटा मत बताना, अगर भारती का नेचर हुआ तो भारती 100 जनों को बता देगी, और ये बताएगी बोल किसी और को मत बताना, वो बात 100 बजे तक पहुंच जाएगी। कई नेचर, और कहीं किसी को बोला, तीतर को बोला, तीतर ने बात ही नहीं करी, तो ये नेचर कहां से आते हैं अलग अलग, हम ही लोग आइडेंटिफाई करते हैं, देखो उसका पेट दुख रहा है, वो क्यों गुस्सा करता है। तो यह सब जो विकार है हमारे, ये हमारे पास में ही है, वो इनको साधने का, जिस प्रकार पतंग हवा में उड़ती है वो धागे से हम साधते हैं उसको, वैसे हमको इस पंच तत्व के शरीर में हमारी श्वासों के माध्यम से, चक्रों के माध्यम से इन अवगुणों को साधना है। अब अंटिल सर्टन परसेंटेज इज ओके, यह शरीर के, यह भी गुस्सा भी जरूरी है एक हद तक, ये पांचों एक एक हद तक जरूरी है, लेकिन वह इतना हो जाए कि बाकी चीजें भूल जाए, दैट्स रॉन्ग। बस 20-20% सब जरूरी कंपलसरी है, इसे ये हमारे गाड़ी जीवन की नई नीड है। गुस्सा भी आना चाहिए, ईर्ष्या भी आना चाहिए, ईर्ष्या आपको बूस्ट अप देता है ना, तो ज्यादा नीड। सो व्हाट वी कैन डू, डिस्कसिंग द नेचर, वी स्टार्ट द जर्नी ऑफ आवर नेचर। देखिए आप ने सुन रखा होगा तो भी आज सुनिए, सामान्यतः दो प्रकार के लोग होते हैं, है ना, जब जेंडर छोड़ दीजिए, एक होगा आलसी, लेजी, राइट, एक लेजी इंसान होगा और एक बड़ा इंथ्यूसिस्ट पर्सन होगा। 5:30 बजे उठना मतलब उठना, वही वही आयु का वही की वही अच्छा सब तारेगा, वह दूसरा आराम से सोता रहता है। लेकिन वह आलसी इंसान को देखिए आप, उठ भी जाएगा तो उसमें उत्साह नहीं रहेगा, और वह उत्साही इंसान 5:30 बजे उठ के काम करेगा और पूरे उत्साह से करेगा। होता है ना, दो प्रकार के लोग आपके सामने है, है ना। ये प्रकार के लोग, जो दो प्रकार के लोग हैं, इसमें से आपको कौन सा बनना है, आपको उत्साही बनना है या आलसी बनना है, या आपके हाथ में कोई घंटी, कोई अलार्म और कोई दुनिया की ताकत, मां की मार बच्चों ने उठा लेती थी, नहीं, आप खुद चाहेंगे तो आप सुधर सकते। तो मेरा पहला पॉइंट नेचर का जो आता है कि एक उत्साह से भरा जीवन चाहिए, है ना, या आलस्य से भरा। आप सब लोग बनेंगे, हाँ गुरुजी उत्साह से भरा, आई नीड उत्साह से भरा नेचर। तो आइए, अगर आप उत्साह से भरा नेचर जानना चाहते हैं, हम एक एक चीज को लेंगे, उत्साह या आलस्य। आलस्य इज ए नेचर ऑफ योर बॉडी, शरीर आपका इतना आराम पसंद है, जब तक सोना सोता रहेगा वो नहीं आएगा। इसको आप अपना इंटेलेक्ट यूज करके इससे आप काम ले सकते हो, ठीक है, बस उसके अंदर अपने लेजीनेस को मानना है। और इसका रीजन क्या है, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है ये हमारे चक्रास में, वो है हमारा टेलबोन, मूलाधार चक्र।
अब कलर के हिसाब से प्लैनेट के हिसाब से मैं डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा, हम तो हमारे काम की बात कर रहे हैं। द कलर ये सबसे पहला काम, इसको हम मूलाधार कहते हैं, है ना, रूट चक्र बोलते हैं। इट्स ए कॉज ऑफ योर लेजीनेस आर एंथुसिएज्म। कभी कभी देखिए वो इंसान इतना उत्साही होगा कि आप 8 बजे तक नहीं उठता लेकिन काम पड़ रहा है उसको लग रहा है, तो 3 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो जाए। लाइक मी, व्हेनेवर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इन द बस मार्टी, ओ माय गॉड, ठंड हो या कुछ भी हो, मैं 1:30-2 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके गाड़ी का तैयार करता हूं, निकल जाता हूं। और वाइस वर्सा, वही काम नहीं हुआ तो हो सकता है 7:30 तक उठता हूं मैं। लेकिन कोई जुनून होना चाहिए कोई चीज के प्रति। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर किसी से मिलने का जुनून या किसी वो होगा तो वह सिर्फ आपका आलस ऑटोमेटिकली बन गया। आपका बेटा, और गुरुजी मेरी 7:30 बजे की मेरी नींद नहीं खुलती, और आपका बेटा एयरपोर्ट पे 4 बजे आ रहा है, आप 3:30 बजे पहुंच जाओगे, खड़े हो जाओगे, क्यों भैया? ये कौन सी चीज पैदा कर दी? ये आज मैं नई बात बता रहा हूं। तो आलस से कोई अटैचमेंट वो ऐसा होता है भाई, तीतिर की मम्मी आने वाली है, तीतिर 9 बजे के पहले उठती नहीं, 6 बजे आने वाली रेलवे स्टेशन, 5:30 बजे गाड़ी लेके पहुंच जाएगी, अरे मम्मी को लेना मम्मी को लेना। तो कहीं ना कहीं उत्साह आप में एक अटैचमेंट भी पैदा करता है, आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति मिलने आ रहा हो। लेकिन ओवरऑल ये तो कम केसेस में होता है, 365 दिन में ये दिन बहुत कम आते लाइफ में, लेकिन 365 दिन में हमारा शरीर आलस्य प्रधान होता है। मैं आई एम नॉट टेकिंग एवरीबॉडी, कुछ परसेंटेज, उस परसेंटेज को हम कैसे दूर करें इस पे आप चिंतन करेंगे। अब देखिए, यह हमारे ऋषि मुनि पुराने थे, इन्होंने हमारी कहावतों में डाल दिया। आप फॉर एग्जांपल 7 बजे के बाद 9 बजे तक सोए रहो, तो घर वाला आके बोलने लगा, क्या पढ़ा हुआ है यार, काम धरे उठ पढ़े कर, बोलते ना सब पढ़ा हुआ है, हाँ या ना? तो पढ़ा हुआ इंसान किसकी तरफ रहता है? रूट चक्र के ऊपर पढ़ा रहता मतलब बिस्तर पड़ा हुआ है, तो हम खुद ही बोलते क्या पढ़ा रहता है। इस रिप्रेजेंट द आलस एंड अपोजिट इसका, अरे और खुशी से उछल पड़ा हुआ, उछलता कहां से? टेल बोन के सहारे, है ना? तो वहीं पर उत्साह भी है और वहीं पर आलस्य भी है। अब ये क्या पसंद करना आपको, हमको तो उत्साह ही रहना है, तो हम तो आज रूट चक्र को ऐसा एक्टिवेट करेंगे कि हमेशा उत्साह से भरे रहेंगे। और उत्साह से भरे रहना मतलब सभी विकारों का नाश होना, इसीलिए शास्त्रों में रूट चक्र की और सहस्त्रधार की आज्ञा की बड़ी वैल्यू है। अगर आपने यही चक्र क्लियर कर दिया, इसको क्लियर कर दिया, इसको डिटॉक्स कर दिया और हमेशा रहे, तो उत्साही रहोगे, उत्साही मतलब खुशी के मारे उछल पड़े। अरे यार, तो आज हम डिस्कस करेंगे रूट चक्र पर। जो रूट चक्र रहता है हमारा शरीर, हमारा पूरा जिस प्रकार एक पतंग होती ना, उसके पीछे कांप होती है, बचपन उड़ाते होंगे आप, वो कांप के ऊपर आप जोते मानते थे, तो पीछे कांप का काम, जो पीछे जो वुडन की लकीर थी, वह पूरा काम आपका स्पाइन करता है। वो स्पाइन में, आज मैंने आपको जो वीडियो भेजा था उसमें छोटे छोटे कलर के अलग अलग एक सिंबॉलिक, ऐसा नहीं कि लाल कलर दिख रहा है या चक्र दिख रहा है, सूक्ष्म तरीके से वह वहां पर विद्यमान है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बगैर टेलीस्कोप पे, बगैर हॉरोस्कोप के पता कर लिया। और उस चक्र से जो एनर्जी निकलती है, ये हम पहले भी कर चुके हैं आपको, लेकिन आज मेरा बात करना चलेगा। नॉर्मली यू हर्ड अबाउट द कुंडलिनी एनर्जी, अरे वहां जाओ, वो सांप के पास जाओ, 35,000 रुपए का कोर्स करा रहे, कुंडलिनी जागृत कर देते, अरे सब आप ही कर रहे हो। कुंडलिनी मीन्स दैट 35% स्लीपिंग एनर्जी दैट इन लाइंग इन योर बॉडी, इनर बॉडी इन अ स्लीपिंग मोड, जो हमारे शरीर की ऊर्जा है 100% रहती है, 65% हम हमारी एक्टिविटीज में, सोचने में, खाने में, पीने में, ऑर्गन्स के हेल्प में खत्म कर देते हैं, बट 35% एनर्जी आज भी हमारे रूट चक्र में, स्पाइरल मोड में रहती है, जो सही वक्त पर चार्ज होने के बाद वो स्पाइरल मोड में ऊपर चलती है। और वह चक्र खुलने के बाद, अगर आपके सभी चक्र खुलते हैं, वो कुंडलिनी खुलने के बाद जो आपको आनंद मिलता है, वह पंच तत्व के शरीर के रहते हुए, हमारे शरीर का जो परम आनंद आप क्या मानते हो, आप समझदार हो, उससे भी कई गुना, 1,000 गुना ज्यादा मिलता है। अगर इंसान अपनी खुशियां अपनी इच्छाओं में ढूंढे, अपने लग्जरी में ढूंढे,
इसमें आप फेम में ढूंढे सब टेम्परेरी, सेक्स में ढूंढे टेम्परेरी, कोई एनर्जी परमानेंट नहीं है, बट ये एनर्जी चक्रस की परमानेंट रहेगी, बशर्ते इसको नियमीकरण में लो। तो आज मैं आपसे मूल चक्र की सूक्ष्म गणना कर रहा हूं, आप अगर नियमित रखना चाहेंगे, हम एक चक्र का प्लान ही करेंगे आज, जैसे मैं रूट चक्र ले रहा हूं, कल मैं दूसरा चक्र लूंगा, परसों तीसरा चक्र लूंगा। आज मैंने आपको सिखाया, अगर आप अपने नेचर को डेवलप करना चाहते हैं एज पर यू, कि मैं चाहूं तो ग्रोथ करूंगा, मैं चाहूं तो नहीं करूंगा, द होल स्टीयरिंग इन योर कंट्रोल, इफ यू कंट्रोल योर चक्रास, इफ यू कंट्रोल एंड डिटॉक्स योर चक्रास एनर्जी, देयर इज लॉट ऑफ शॉप यू ओपन इन द यूट्यूब चक्रा एनर्जी, माय गॉड 1000 वीडियो यू विल गेट इट, यू मोर कंफ्यूज्ड। मैं आपसे आपकी बात सरल तरीके से बता रहा हूं। सो हम रूट चक्र से यात्रा शुरू करते हैं। अगर हम रूट चक्र को देखें, सबसे पीछे जो हमारा कहीं ना कहीं पूछ का स्थान होता है ना, रीड करी, दिस इज अ टेल बोन वेयर आवर स्पाइन एंड, अब वह लाल कलर की रहती है, कलर लेट कलर है, तो हम कोई चीज इंगित करके वहां पर ध्यान रखते हैं, हम उन पलों को याद करेंगे जब हमारा शरीर के ऊपर हमारा आलस हावी हो गया था, दैट टाइम डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट प्रोसेस, मैं ध्यान पे डिफरेंट करूंगा आपको। और दूसरे मोड में हम जाएंगे कि जब हम खुशी से, वी आर सो मच, इधर खुशी से मिल पड़े, अरे मम्मी मैं पास हो गई, अरे मेरे को ऑर्डर मिल गया, जो खुशी होती ना, कभी खुशी से उछल पड़े, तो उस मोड में भी आपको ले जाऊंगा, बट इट इज ओनली योर पास्ट एंड यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू फील इट। आर यू एग्री विद मी, एवरीबॉडी वॉन्ट टू वॉक विद मी? तो आज मैं आपको चक्र की परिभाषा ऐसा बता दूंगा कि आपको कोई जरूरत नहीं बड़े बड़े YouTube डालने में, आप खुद ही अनुभव करेंगे, और आपके हिसाब से आप जब खुद करेंगे ना, और जो आनंद मिलेगा वो गाइडेड का नहीं मिलेगा। तो अपने आप को चेक करके देख लें कि केवल वक्त आने पर, तो वक्त आने पर तो हम सब भाग जाते हैं उठ के, आलस्य आपका, आलस्य का मतलब नहीं हुआ ये चीज कि सुबह जल्दी उठना, अपना काम किसी और को देना है ना, अपना काम, देखिए आप प्रोफेशनल बंदा है, आप बीजी है, यू आर बीजी इन योर वर्किंग लाइफ, ओके, किसी बंदों की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि योर माइंड इज वर्किंग, योर बॉडी इज नॉट वर्किंग, यू आर पेइंग द मनी टू द बॉडी, एक शरीर को पे कर रहा है, वो आपका काम कर रहा है, उसका शरीर काम कर रहा है, व्हेन योर माइंड इज एंगेज यू मीन यू आर इन्वॉल्व, आपका शरीर काम कर रहा है, इसका मतलब नहीं, शरीर से अगर मस्तिष्क भी काम कर रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है, और बाकी पार्ट नहीं काम कर रहे, इट मीन्स यू आर इन द वर्किंग मोड। चलाने के लिए बात अलग है, हम वॉक कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, बस योग करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो हमारे शरीर को चार्ज करने के लिए हम एक दिन का रखते हैं, बाकी दिन भर की एक्टिविटीज में अगर आपका माइंड इन्वॉल्व है तो आप बिजी हो, आपका फिजिकल इन्वॉल्व होने के लिए आपने किसी को हायर कर लिया, यार बेटा पानी पिला दे, ये ला देना, वो ला देना, डोंट थिंक दैट आप आलसी हो, वो दूसरे से पानी मंगा रहे, नहीं, इफ योर माइंड इज इन्वॉल्व, इफ यू कैन डू योर वर्क ऑन अलोंग विथ योर माइंड एंगेज, दे कैन गो अहेड। आप अपना काम खुद करें तो आप नियमितीकरण अपनी रखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज में आपकी आउटर एक्टिविटी, कभी भी आप सिटिंग मोड में, सिटिंग मोड में बैठे हुए एक घंटे से ज्यादा कहीं नहीं बैठे, कई लोग प्रोफेशनल में काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक घंटे दो घंटे तीन घंटे लेकर ऑर्डर लाएगा, नहीं, जिस प्रकार आप नियमित पानी पीते हैं उसी प्रकार एक घंटे से ज्यादा हो जाए, 45 में अलार्म सेट कर लो, एक राउंड लगा के जरूर आना, ये देख लो फैक्ट्री का, अगर आपकी शॉप है फैक्ट्री घूम के आ गए, अगर घर में बैठे तो मैं खुद करता हूं, मेरे घर में बैठता हूं मैं, एक घंटे का लगा के मैं तीन चार वॉक लगाता हूं, आसपास देखता हूं, ये आपके रूट चक्र को एक्टिव करने में हेल्प करेगी, क्योंकि एक तरीके से बैठे रहना तो आलस को आमंत्रित करना है। तो आज का मेरा पहला पॉइंट, व्हेनेवर यू आर डूइंग इन द सिटिंग वर्क, आप अगर कोई काम में बैठे बैठे काम में, आप हर 45 मिनट से एक घंटे के बीच में याद करके एक ग्लास पानी पिए और एक राउंड लगाए, फिर वापस बैठ जाए। अगर आपका वर्क फील्ड का है तो कोई बात नहीं, पर भी आप पानी पीने का ध्यान रखें, ठीक है, इससे आपके छोटे मोटे दर्द ये अपने आप गायब हो जाएंगे, क्योंकि दर्द के मारे भी आप कहीं आलस को जाते हो, अरे यार दर्द हो रहा है ना। दूसरी चीज एक और,
आपकी डेली रूटीन में अगर आपकी वर्किंग प्रोफेशनल ऐसी है, सिटिंग में आप एक घंटे जगह बता ही दिया, आप एक बार प्रोफेशनल के हिसाब से अगर काम करते हुए 45 मिनट और एक घंटे के बीच में आपको वॉक भी करना है, एक राउंड लगाना है, बहुत बिजी हो तो भी, अरे प्लीज दो मिनट एक ग्लास पानी पिया, राउंड लगा लिया, एंड ब्रिंग योर अटेंशन ऑन योर होम कुछ पल के लिए अपने घर के मंदिर से कनेक्ट हो, ऑफिस में मंदिर है, मतलब माइंड वहां से डिटेच करो और अपने स्थान पर ले जाओगे कुछ पलों के लिए। ऐसे आप करते ही होंगे, आपका ध्यान ही रहता होगा वापी करने और मेरा बच्चा आ गया कि नहीं आ गया, वालों से आया, ये भाई ने खाना बना नहीं गया, दिट्स ओके, बट इंटेंशनली आपको जाना है। तो अनइंटेंशनली जो घर के थॉट आते हैं ये भी बंद हो जाए, मैं आपको लिख के दे दूंगा। तो मेरे रूट चक्रा के ऊपर आगे बढ़ने की मेरे तैयारी आपको सिंपल दे रहा हूं कि आपको अगर सिटिंग जॉब है, महिला का काम है, और अगर हाँ जो महिलाएं खड़ी रहकर काम करती है वो भी 45 मिनट ज्यादा नहीं खड़े रहे, एक जगह बैठ जाए 5 मिनट के लिए, नीस पेन गोइंग टू स्टार्ट, वेरिकोज वेन गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टैंडिंग मोड, बड़े अप्रिशिएट, अरे गुरुजी मैं तो खड़े रहते हूँ मेरा काम ही ऐसा, अरे खड़े रहते हो तो आपको 10 मिनट बैठने का मना कराया क्या किसी ने? अगर खड़े हो तो 10 मिनट बैठ जाओ, उल्टा अगर बैठे हो तो एक घंटे 45 से एक घंटे मिनट के अंदर थोड़ा वॉक कर लो, और अगर खड़े हैं स्टडी मोड में आपका रिप्रेजेंटेटिव है कि काम करें तो 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, अपने घर पे अपना ध्यान ले जाओ। तो आपका ब्रेन इतना शार्प है कि वह आपको घर की बातें उसी पल में याद कराएगा, ताकि जिससे वह आप आराम से बैठते हो और पानी पीते हो उस वक्त आप डिटेच हो। अगर नहीं करी तो वह चीज अगर रेगुलर आप पे आदत डाल ली इसकी कि 45 से 5 मिनट उठना है, चार एक दो चक्कर लगाना है, पानी पीना है, घर की तरफ ध्यान ले जाना है ना, तो आपके बीच बीच के अंदर जो घर के ख्याल आते हैं ना ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आप भी चाहते हैं ना सर, है ना। अब इसका एग्जांपल आपको देता हूं, एक फॉर एग्जांपल आप सिगरेट पीते हैं, है ना, तो आप चलो सिगरेट का नहीं दूंगा, होता भी कभी होता ना कभी, या कोई मतलब फॉर एग्जांपल आपको वॉशरूम में जाना है, ठीक है, अगर आप वॉशरूम के बाहर से निकले तो आप चले जाओगे वॉशरूम में, क्योंकि आपका माइंड आपको अलर्ट कर देगा वॉशरूम जा रहे, क्योंकि ब्रेन आपका इतना सशक्त है कि वो डिग्री आपको 10 मिनट बाद देता है सेंसेशन की, ठीक है। आप कोई खाने पीने की चीज है वहां से निकले, अरे या तो ये ड्रिंक अच्छा मिलता है ये खा लो यार, तो जब अपने आप से बात करो, अगर कोई सिगरेट पीता है तो उस स्थान से निकलेगा तो वही रुक जाएगा, वो भले अपने घर की परेशानी भूल जाओ वो सिगरेट पी के जाएगा वहां से, हाँ या ना, होता है ना ऐसा। तो आपका माइंड इतना कैप्चर है, अगर आपने माइंड को मेंटरिंग कर ली अपनी और 45 से 1 मिनट करा तो आपका माइंड आपको घर की बातें एक घंटे में याद दिलाएगा, ताकि आप अपना 100% अपने बिजनेस में दो। कमाल की रिमेडी, एग्रीड विथ मी और नॉट, है ना। और आपके घर का ख्याल बीच में, मेरा बच्चा है कि नहीं स्कूल से, ये कहीं ना कहीं आपको आपकी जो प्रोफेशनल रोल है उसमें अपनी मदर का रोल घुसेगा वो नहीं करेगा। 45 मिनट तक ब्रेन रखेगा, ब्रेन केवल आपको उसी वक्त याद दिलाएगा जब आप पानी पियोगे और थोड़ा सेटिंग मोड में बैठोगे, करके तो देखो यार, यू विल फील द चेंज, राइट। तो हम अपने आप को एक्टिव और हम अपने आप को इनएक्टिव स्वयं ही करते हैं, हमारी आदतों से करते हैं। अगर आप सुबह से, मतलब मैं आई वॉज डिस्कसिंग विद समवन एल्स बासु जी, कि समवन मेरे से कोई अपना शेड्यूल डेली डिस्कस करे कि मैं इतने बजे उठती हूँ, इतने बजे करती हूँ, मैं करूँ तो, और मैं उससे जो पूछूँ उसको सही से जवाब दे, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी आई कैन मेक हिज और हर हारस को, किसका घर कौन सा ग्रह इसका कौन से कमरे में, ये आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं मैं। और ये एस्ट्रोलॉजर बड़े गीता जी है वासु जी, अरे गुरु जी सही बोल रहा हूं, मैं चैलेंज नहीं देता, लेकिन हम खुद ही समझ पाते हैं ना, है ना। तो अभी हम आलस पे आ रहे, टाइम हमारा हो गया 9:10 का। अब इसके ऊपर कोई मुझसे प्रश्न पूछना चाहता है जितना मैंने डिलीवर्ड किया, तो आप आमंत्रित है, एनीबडी वॉन्ट टू आस्क, इट्स नॉट कंपल्शन, कुछ पूछना चाहता है यार गुरुजी मेरा नेचर तो ऐसा है,
केवल टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉलेज. यस दीपक, दीपिका बेटा. नमस्ते गुरुजी. गुरुजी, नॉर्मली आई एम अ वेरी वेरी एक्टिव पर्सन, ऑलवेज हाइपर. सिर्फ एक संडे ऐसा दिन है जिस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बेड से चिपक जाती हूँ, मेरी जो टेल बोन है वैसे पड़ जाती है बेड पे. लेकिन संडे वाले दिन भी अगर मुझे कहीं जाना है और मैं तैयार हो गई, उसके बाद मैं घर पे नहीं बैठ सकती, फिर मैं बस भाग गई, ऐसे है. बट अदरवाइज आई एम वेरी वेरी एक्टिव. बट वही आपकी बात, मैं काम 90% काम नहीं करती हूँ, करवाती हूँ. तो मुझे खुद को फील होता था, गिल्टी होता था कि यार मैं लेजी हूँ या वॉट इज द रीजन. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डिस्कस विद मी कि नहीं हम ये भी करते हैं, कुकिंग भी करते हैं घर जाके, ये भी करते हैं, यू नो, एज अ मदर रोल मन करता है बच्चे के लिए बनाना. बट मेरे को ऐसा लगता है कि I am so mentally involved in my business that I cannot actually do it. But on a Sunday, it's like, it's, मतलब मेरी कजन की शादी मैंने मिस कर दी जस्ट सोने की वजह से कि संडे वाले दिन मुझे सोना है. मतलब मैं इतनी पड़ जाती हूँ, इट्स लाइक दैट गुरुजी. मतलब आई होप कि मैं ये चक्रा पे प्रैक्टिस करूँ तो मैं थोड़ा बेटर हो जाऊँ, वीकडेज की तरह वो वाली दीपिका सेम हो जाऊँ. So I am looking forward for this. Very good. Now, in the Deepika's question, she had given answer of my one, जो मैंने आपको remedy दी. Only on Sunday. Mind में रहता है Sunday आएगा, Sunday आएगा, Sunday आएगा. तो ये जो मैंने आपको पहले करा, आप एक घंटा घूमोगे ना और बैठोगे तो आपका mind भी ready हो जाएगा कि मेरे को. आप एक बात बताओ, इसको दीपिका को मैं बोलता हूं 5 दिन के लिए मैं इसको बाहर की दुनिया में आने नहीं देता, इसको पता ही नहीं लगेगा संडे. इसकी बॉडी बता देगी क्या संडे. आर यू एग्रीड में? नहीं एग्रीड है दीपिका? आप एग्रीड है बोल सर? वो बॉडी माइंड मेकअप बना हुआ है. वो भले ही सैटरडे सूर्य संडे का वेट नहीं करती. अभी अपन इतने काम में बिजी रहते कब संडे आएगा पता ही नहीं. तो हमारी बॉडी भी मॉनिटर वैसे होगी कि संडे को आराम पसंद करती है क्योंकि हमने हमारे संडे को वैसा आराम पर ढाल लिया है कि हम उसके आदि हो गए. इट इज नॉट कंपलसरी. अगर वही संडे हो, मैं किसी दिन फाल बोल दूं कोई एक कमरे में इसको रखे कि बताया आप तो शुक्रवार है, संडे के दिन ही वो शुक्रवार को काम करने भाग जाएगी. लॉट ऑफ पीपल स्पेशली ऑन द दुबई, संडे इज वर्किंग, फ्राइडे एंड सैटरडे आई थिंक they are holidays. Am I right? Kanchan? Yes, Guruji. Perfect. Yes. Why they are working? Agar us atmosphere mein Deepika chale jayegi, to Sunday ko bhi bhag jayegi kaam karne. Hai na? To hamari body humko khud guide karti hai. Ki aap apne jeevan se kaisa jaate ho. Bhaiya, main mere ghar walon ki baat, main ek ghante baad chahta hu. Ek ghante mere ko mere kaam mein involve rehne do. To bas aap jab jaoge, ghoom ke aoge, walk karke aoge. Kyunki physically bhi ikhatte continue ek jagah baithna galat hai. आप बैठकर पानी पियोगे, घर का सोचोगे, 5 मिनट रिलैक्स करके, तो उस वक्त ही आपको घर की बातें याद आएगी. जिसका एग्जांपल इसने दिया मुझे दीपिका ने कि संडे को ही मेरे को आना चाहता, बाकी नॉर्मली उठ जाता हूँ. इट्स ओके. ये संडे को अगर आपने, कोई गलत बात नहीं, शरीर आपका संडे को जाकर लगेगी. हाँ, लेकिन वक्त आने पर संडे का वो भी छोड़ना पड़े तो जल्दी उठना पड़ेगा. जो आपने और कौन सा कुछ दे दिया, तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा. अगर संडे को आपको काम पड़ा, एक कजिन की आपकी शादी जुड़ गई, लेकिन आपको वक्त आने पर उठे तो आप संडे को भी, इतना मजबूरी, इतनी आलस भी अपने ऊपर हावी नहीं होना क्योंकि अपना काम छूट गया. ओके, आई एम श्योर ये आप ध्यान करूंगा. अगर इसको नियमित डालोगे आप तो आई एम श्योर यू विल बी गेट रिड ऑफ फ्रॉम दियर प्रॉब्लम विच यू एक्सप्लेन मी. है ना? और संडे है, आराम तो करना काम है, शरीर बगैर आराम के तो रह नहीं सकता. एक्सेस ऑफ फूड, एक्सेस ऑफ स्लीप, खाने की अधिकता, सोने की अधिकता, अधिकता और कमी दोनों आलस से पैदा करती है. ज्यादा खा लिया तो आलस आ गया, ज्यादा सो लिए. आप बताओ, जो दीपिका जी हम आपसे बात करें, अगर तू आप सो भी गई 10 बजे उठी, क्या 10 बजे तू उतनी फ्रेश रहती है जितनी 7 बजे नॉर्मल टाइम उठती? यस नो? वो एक्सेस ऑफ स्लीप ऑल्सो गिवन और आर फोन उठे, तो वो उठने का वो एक्सेस ऑफ स्लीप
भी हमारे लिए पॉइजन है और एक्सेस ऑफ फूड भी हमारे लिए पॉइजन है। तो जब भी, और आपको बताऊं एक्सेस ऑफ फूड का, कि जब भी आपको आपका खाने का पेट भर जाता है, विज्ञान कहता है, जब आपका पेट भर जाता है, व्हेनेवर फील यू गेट द इंडिकेशन आफ्टर 7 मिनट्स फ्रॉम योर ब्रेन कि योर खाना आपका पच गया है, खाना पेट भर गया है, तो अगर आपको ज्यादा एक्सेस नहीं करना है तो जो थोड़ी सी भूख रह जाए आपको और आप खाना बंद कर, थोड़ी सी भूख, एंड जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, वो खत्म हो जाएगी। हम जब तक खाना खाते रहते हैं जब तक हमको ब्रेन से सिग्नल नहीं आता, ओ यहां तक आ जाता है, इट मीन्स यू आर ओवर ईटन। इतना सा तो है आपका स्टमक, ये इतना सा। जैनी मुनियों को देखो बेचारे, हाथ में जितना आता उतना खाते हैं, और हम तो पेट नहीं भर जाए, अरे मिश्रा अरे वो और खा लो, एक लड्डू और खा लो, हम भी खा लेते। देखिये इन और आउट हमको कंट्रोल करना है। खाना कैसे खाना, खाना जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जहां पर जैसा खींचा खाओगे वैसा रहेगा, ठीक है? ओके, तो ऑलवेज टेक द लाइट फूड इन द नाइट, लाइट फूड ब्रेकफास्ट हेवी लाइक ए लॉयर, लंच लाइक ए किंग, एंड ब्रेकफास्ट लाइक एवरीबॉडी यू आर हाईली इंटेलेक्चुअल। तो मैं तो अभी वापस आपको लेके आ रहा हूं कि आपका खाना पीन भी और नींद भी आप में आलस्य पैदा करती है, इस बात से आप अवेयर है ना। अगर हम हर कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, आप तकिया को बोल के बोलो कि तकिया बोल, तकिया 6 बजे उठा देता, क्या उठा देगा? तो तकिया में कोई जान है क्या? आप अपने माइंड को बोल के देखो ना। होटल में जाते हैं, हेलो यस वेकअप कॉल 7:30 अलोंग विद टी, बोलते ना अपने को, देखो वेकअप कॉल 7:30 बजे उठाना भाई साहब, आपको उठ जाओगे क्योंकि आपने अपने माइंड में सेटअप कर लिया अलार्म। ओके, सो टुडे जस्ट आई डिस्कस अबाउट दैट लेजीनेस एंड वर्क इन योर बॉडी ऑफ द रूट चक्रा, देयर इज लॉट ऑफ अदर वर्क्स आल्सो, बट मेन जो आपके लाइफ में हर्डल बनते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे हमारे रूट चक्र के साथ में, और यू विल फील समथिंग कि आपने यार कुछ किया, और अगर वह चीज आप में मौजूद है तो आप उसको नियमित करें, और विशेषकर उस दौरान जब 1 घंटा सिटिंग वर्क करने के बाद या 1 घंटा खड़ा रखने के बाद आप 5 मिनट का स्थान करें, अपने घर के बारे में चिंतन करें, धीरे से अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर रख लें। अरे यार सब आपके घर में आपका डॉग अटेंशन जाता है, आपका कोई घर में आ जाए आपसे मिलने आ जाए वो अटेंशन जाता है, तो आपका शरीर भी अटेंशन चाहता है आपसे। गो ऑन द रूट चक्र, ही स्टार्ट फॉर यू वर्किंग फॉर यू। हमें तो वह अंग जब ध्यान आता है, गुरु जी आए हैं तो स्पाइन पेन L4 L5, तब ध्यान आता है। जब तक दर्द नहीं रहता तब तक को मतलब ही नहीं, मेरे को मेरा घुटना है इसका एहसास जब होता है, जब मुझे घुटने का दर्द होता है ना। तो हम तो रोज इसको उस प्रकार करेंगे जिन चीजों में ये चीज है। तो अभी हम ध्यान पे जाएंगे, थोड़ा हम योगिक आसन करेंगे हल्का सा, अगर आप इस पोजिशन में है ऑप्य है तो करें साथ में, नहीं तो आप आराम से बैठे रहे, लंबी गहरी श्वास लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा सामान्यतः कोई भी स्पिरिचुअल साधना होती है ना तो वो मूलाधार से चालू होती है ना। तो अभी ये दोनों हाथ ऐसे रख लें और जस्ट एक सेंटर में आ जाए, और अपनी बॉडी को फॉरवर्ड लेकर आए और मूव करें टेल बोन के बेस पर। आपका 8th हाउस है जो आपका पेल्विक रीजन है, वहां पर अपने टेल बोन पर ध्यान रखते हुए बॉडी को रोटेट करेंगे। अब ये कैसे भरेंगे, श्वास भरते हुए हम आधा जाएंगे और श्वास खाली करते हुए आधा आएंगे। ओके, यू कैन क्लोज योर वीडियोस एंड यू कैन डू इट, यू फॉलो माय वॉइस। एक लंबी गहरी श्वास के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करें, दोनों हाथ घुटनों पर, एक लंबी गहरी श्वास के साथ स्पाइन स्ट्रेट करें, होल्ड द ब्रेथ, रिलीज द ब्रेथ, वन मोर ब्रेथ, कीप स्पाइन स्ट्रेट,
Now take a breath. Along with the exhaling, अपने शरीर को आगे की ओर झुका लें, मूलाधार चक्र पर ध्यान रखते हुए, अटेंशन ऑन द रूट चक्रा, फॉरवर्ड योर बॉडी इन द फॉरवर्ड सेटिया, एंड अलोंग विद द ब्रेथ रोटेट योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ टेलबोन ऑन योर राइट साइड क्लॉकवाइज. Whole attention on the root chakra and exhaling breath, come again. Shwas bharte huye, aadha raasta jaye. Shwas khali karte huye, aadha. Three round anti-clockwise, three round clockwise. जितना आगे ला सकते हैं. Relax the body, spine straight, whole attention on your रूट चक्र, अपने मूलाधार चक्र पर पूरा ध्यान, जहां पर रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, आपका ध्यान स्वतः ही चले जाए. होल अटेंशन ऑन योर स्पाइन, लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन. विथ अटेंशन ऑन द टेलबोन, turn your body toward the left side as maximum you can. बाई ओर जितना शरीर को झुका सकते हैं सीधा उतना झुकाएं. स्ट्रेट गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, बाई ओर मुड़ा, श्वास भरते हुए पुनः आ जाए. रिलीज द ब्रेथ, अगेन इनहेल, एक्सहेलिंग के साथ राइट साइड टर्न करें. Now, from right to left, left to right, along with the breath and exhaling. Shwas bharte huye, khali karte huye, right se left aaye, teen round. Relax. Now keep an attention on your tailbone again. Feel little vibration. Keeping attention on tailbone, inhaling and exhaling 11 times fast. Tez shwas, inhale and exhale, Mooladhara Chakra par karte huye karein. You feel that exhaling from tailbone only.
होल अटेंशन ऑन योर टेलबोन, स्पाइन स्ट्रेट. Chant one, three time Om, keeping attention on your root chakra. If you are unable to chant, you can make a vibration also. Start, inhale for long deep breath for Om chanting. Om. पूरा ध्यान टेलीफोन पर. वन मोर ओम चेंटिंग, अटेंशन ऑन योर रूट चक्र, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग. लंबी गहरी श्वास भरे. One more Om chanting. Whole attention on your tailbone. अपना समय लेते हुए तीन बार श्वास भरेंगे, रूट चक्र पर ध्यान रखते हुए श्वास भरेंगे और रूट चक्र पर ही श्वास छोड़ेंगे. मुख से धीरे धीरे स्लोली स्लोली रिलीज योर ब्रेथ बाय योर माउथ, कीपिंग अटेंशन ऑन टेलबोन. फर्स्ट ब्रेथ इनहेल लॉन्ग डीप ब्रेथ, अटेंशन ऑन योर tailbone and release the breath slowly, slowly by mouth. Second breath. Exhale by mouth slowly, slowly.
Now we clean our root chakra. Assume your nostrils are in a place of root chakra. आपकी नासिकाएं कल्पना करें रूट चक्रा पर है. रूट चक्रा से लंबी गहरी श्वास स्पाइन के सहारे सारे कंठ तक लेकर आए. थ्रोट तक होल्ड फॉर फ्यू सेकंड्स एंड एक्सेल अगेन टुवर्ड रूट चक्रा. स्टार्ट 11 ब्रेथ. एज्यूम नोस्ट्रल्स आर इन रूट चक्रा पर है. रूट चक्रा से लंबी गहरी श्वास स्पाइन के सारे सारे होल्ड करें थ्रोट पर और थ्रोट से इंजेक्ट करें एक्सेल करें टुवर्ड रूट चक्रा पर. होल्ड अगेन कंटिन्यू. Relax. बाहर की आवाज आने दे. मन जहां जाना चाहता है जाने दे. Relax. Relax the body. Allow mind, thoughts, whatever they want. Allow breath automatically. Relax.
ट्राई टू रिकॉल योर मदर फेस, अपनी मां का चेहरा याद करें जब आप बहुत छोटे थे. When you were too young, just think of your mother face. मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास नाम जप में, नाम तप में, ना एकांत वास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, शांति शांति शांति. अपना बचपन का जो भी फोटो याद है आपको, योर यंगेस्ट पिक्चर, टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर, रिकॉल दैट पिक्चर. एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए श्वास खाली करते हुए बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड बॉडी एंड नेम. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का एहसास हो, कृतज्ञता के साथ, अपनी मुस्कान के साथ, उत्साह के साथ अपनी आंखें खोलो. Whenever you feel complete, you can open your eyes. Slowly. Take a glass of water, cover my right hand. Now drink the water. Assume that tailbone toward whole attention on your tailbone. Root chakra ki taraf dhyan rakhte hue jal ka sevan kare.
गुड गुड, अच्छा लगा ना. नाउ वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क ब्लेसिंग, व्हाट इज नेम एलेवली, ब्रिंग हिम बैक, कॉल हिम, व्हाट्स योर नेम? Prithik. Blessing, lot of blessing from our divine astrovilling family. We pray you get whatever you want from your further life. Blessings. Chipper, thank you, Chipper. Thank you, Guruji. Namaste, Chipper. Namaste. So, आपको आज हमने जो रूट चक्र के बारे में बताया है, एक योगिक साधना और बता देते हैं. अगर आप सुबह, एक बात बताइए, बच्चा आपका जो छोटा बच्चा रहता है 6 महीने का, साल भर का, देख वो क्या करता है, वो दोनों हाथ चलाता है, दोनों पैर चलाता है, हाँ या ना, है ना, जब खिलखिला के हंसता हाथ में. तो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, अगर पास में कोई सोया हो तो देख के करना, अगर अकेले से आराम से पैर और हाथ उसी प्रकार चलाना मूलाधार चक्र पर ध्यान रखते हुए कि आप एक बच्चा हो. ओके, उस कोई शर्माना नहीं, वो फिर देखना आप चाह के भी नहीं सो सकते. दोनों पैर दोनों हाथ उसी प्रकार चलाना जिस प्रकार बच्चा गाड़ी चलाता ना, और उसके बाद वो टेल बन को थोड़ा ग्रीस करना, फिर आप आंखें खोलोगे तो आप चाह के भी नहीं सो पाओगे. तो टुडे वी वर्क ऑन द टेलबोन एंड वॉट एवर कॉम्प्लिकेशन, क्या होता है पॉजिटिव क्या रहता है, इसका भी डिस्कस किया. बस आपको अपना ध्यान जो मैंने नियम बताया हुआ करते रहना शरीर का, और मन कभी घबराए आलस हो तो सुबह उठते वक्त आलस रहता ये करना. इट इज गिव द मसाज टू योर टेलबोन एंड बच्चा लोग भी ऐसे करते रहते ना, क्या करते रहते, तो थिंक लाइक यूर चाइल्ड. ओके, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे. कल मिलते हैं, कल हम दूसरे चक्र की बात करेंगे, सेकल चक्र. ओके, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे.